माणो भी आज मेरे लिए माणो हेलो बोल दे। कई दिन बेचारी यार बीमार रह गया, बहुत ज्यादा बीमार। वापिस आ जा। निशु देशवाल का एक पालतू कुत्ता भी था जिसका नाम मानो था। निशु उससे भी बहुत प्यार करता था। निशु उसका बहुत ख्याल रखता था। काफी बार वह उसको अपनी वीडियो में भी दिखाता था। निशु के जाने के बाद उसके डॉग ने अच्छे से खाना भी नहीं खाया है और उसके जिंदगी में भी एक उदासी सी आ गई है। वह भी अपने मालिक की राह देखती रहती है कि निशु आएगा और खाना खिलाएगा। लेकिन उस मासूम कुत्ते को भी क्या पता कि अब उसका मालिक कभी नहीं आएगा। निशु की कुछ दिन पहले की वीडियो में भी जब निशु अपने ट्रैक्टर के टायर नीचे उतार रहा था तो मानो गलती से टायर के नीचे आ जाती है, लेकिन उस समय वह बच जाती है, उसको चोट नहीं आती। उसके बाद निशु उसका और भी ख्याल रखने लगा था, लेकिन निशु की किस्मत में उसके साथ रहना और था ही नहीं। उस मासूम कुत्ते की तरह ही निशु का बेटे की आंखों में भी एक इंतजार भरा हुआ है कि निशु आएगा और उसे गोद में लेकर खिलाएगा। लेकिन शायद उस मासूम को बहुत समय बाद पता चलेगा कि अब उसका पिता इस दुनिया में नहीं है। निशु ने अपने बेटे की जन्म की खुशी भी लोगों के साथ साझा की थी। निशु अपने बेटे को प्यार से छोटा टोचन किंग बुलाता था, लेकिन निशु का ऐसा कोई ख्याल नहीं था कि उसका बेटा भी बड़ा होकर यह सब करे। निशु ने तो खुद कह दिया था कि मैं कुछ समय बाद यह सब छोड़ रहा हूँ, यह सब बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरे पीछे दो परिवार और हैं, अगर मैं ध्यान नहीं दूंगा तो उनका ध्यान कौन रखेगा। उसने कहा था कि अब मैं 200% सेफ्टी के साथ स्टंट करता हूँ और बहुत ध्यान रखता हूँ। निशु के छोटे भाई का भी रो रो कर बुरा हाल है। उसे खुद विश्वास नहीं हो रहा कि उसका बड़ा भाई अब इस दुनिया में नहीं है। कुछ पल में ही ट्रैक्टर ने निशु की जिंदगी ले ली। यह एक बड़ी दुखद घटना है। कुछ फेक खबर भी फैलाई जा रही हैं कि निशु काफी देर तक तड़पता रहा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आपसे अनुरोध है, आप फेक खबरें ना देखें और ना उनको शेयर करें, क्योंकि फेक खबर फैलाने से निशु के परिवार को काफी परेशानी होती है। उन्हें यह सब देखकर बड़ा दुख होता है। तो हमारा आप सभी से अनुरोध है, आप ऐसी कोई खबर ना देखें। हम निशु देशवाल की आत्मा की शांति की कामना करते हैं। धन्यवाद।